प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात कार्यक्रमे करिष्यति निज विचाराणां विनिमयम्। कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वेषु संजालेषु प्रसारयिष्यते। आकाशवाणी वार्तायाः वेबफलके न्यूज ऑन एआईआर इति दूरभाष चरिष्णुतन्त्रे च अपि कार्यक्रमः भविष्यति उपलब्धः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सप्त शिखर सम्मेलने भागं भजितुं जर्मनी देशस्य श्वास अल्माउ नगरं प्राप्स्यति। सहभागी देशानां अतिथि देशानां च नेतृभिः साकं सम्मेलनस्य अवसरे पर्यावरण ऊर्जा जलवायु खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य महिला पुरुष समानता लोकतंत्र सदृशेषु विषयेषु प्रस्तोष्यति विचारान्। तीस्ता शीतल वार्ड गुजरात एटीएस इति आतंकरोधी बलेन निगडिता। तीस्तायां गुजरात उपद्रवस्य कृते रचितस्य एसआईटी दलस्य पुरतः मृषा साक्ष्य प्रस्तवनस्य सन्ति आरोपाः। सर्वोच्च न्यायालयेन तीस्तायाः एनजीओ संस्थां विरुद्ध्य अपि काठोर्यं प्रदर्शितम्। लोकसभायाः त्रिषु आसनेषु विधानसभायाश्च सप्त आसनेषु संजातो उपनिर्वाचनानां मतगणना भविष्यति अद्य। आजमगढ़ रामपुर संगरूर लोकसभा आसनेषु भविष्यति समेषां दृष्टिः। पेरिस नगरे आयोज्यमाने शरसंधान लक्ष्य वेद विश्व चषके अभिषेक वर्मा ज्योतिः चेत्यनयोः भारतीय युगलेन मिश्रित दल स्पर्धायां जितं स्वर्ण पदकम्। अभिषेक ज्योतिश्चेत्ये ताभ्यां स्पर्धायाः निर्णायके द्वन्द्वे मानांकने पंचम वरीयतायुतं फ्रांस देशीयं युगलं पराभूतम्। अभिवादये अहमस्मि सुनीलः जोशी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमस्य नवतितम्यां श्रृंखलायां देशवासिभिः सह निज विचारान् विनिमयी करिष्यति। एषः कार्यक्रमः अद्य प्रातः एकादशवादने प्रसारयिष्यते। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु वेबफलकेषु न्यूज ऑन एआईआर इति दूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रे च भविष्यति। युगपदेव मन की बात कार्यक्रमः आकाशवाण्याः डीडी न्यूज वाहिन्याः प्रधानमंत्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु अपि साक्षात् प्रसारयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इत्येतस्य निमंत्रणे जी सप्त देशानां शिखर सम्मेलने भागग्रहणार्थम् अद्य जर्मनी देशस्य श्लाश अल्मू इत्यत्र गमिष्यति। जर्मनी यात्रायाः अवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्रद्वयं संबोधयितुं शक्नोति, यस्मिन् पर्यावरणोर्जा जलवायु खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य लैंगिक समानता लोकतंत्र सदृशाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। मन्त्रालयस्य अनुसारेण एतस्मात् शिखर सम्मेलनात् पृथक् अपि प्रधानमंत्री सम्मेलने समागतानां अन्येषां देशानां नेतृभिः साकं द्विपक्षीयोपवेशनम् अपि करिष्यति। लोकसभायाः त्रिषु आसनेषु विधानसभायाश्च सप्त आसनेषु संजातो उपनिर्वाचनानां मतगणना भविष्यति अद्य। आजमगढ़ रामपुर संगरूर लोकसभा आसनेषु भविष्यति समेषां दृष्टिः। पंजाब उत्तरप्रदेश त्रिपुरा आंध्रप्रदेश झारखंड दिल्ली चेति राज्यानां एतेषु आसनेषु जून त्रयोविंश्यां मतदानं जातम् आसीत्। पंजाबे संगरूर लोकसभा आसन मुख्यमंत्री भगवंत मानस्य विधानसभा निर्वाचने धुरी निर्वाचन क्षेत्रतः चयनस्य पश्चात् रिक्तं जातम् आसीत्। उत्तर प्रदेशे रामपुर लोकसभासनम आजम खानस्य रामपुर विधानसभासने विजयानन्तरं रिक्तं जातम् आसीत्। तत्रैव आजमगढ़ लोकसभासनम समाजवादी पार्टी इति दल प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा करहल विधानसभासने विजयानन्तरं रिक्तं जातम् आसीत्।
महाराष्ट्रे विवर्धमानस्य राजनीतिक झंझावातस्य मध्ये सम्प्रति प्रश्नः एषः अस्ति यत् अन्ततो गत्वा शिवसेना दले वर्चस्वं कस्य पक्षस्य भविष्यति। उद्धव ठाकरे शिवसेना दलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिण्याः उपवेशने विद्रोही विधायक पक्षस्य विरोधे षट् प्रस्तावाः पारिताः। तत्रैव एकनाथ शिंदे घोषणां कृतवान् यत् बालासाहेब ठाकरे वर्यस्य वास्तविकं शिवसेना दलं तस्य एव अस्ति। संचार रोधादेशः प्रवर्तितः अस्ति। एतस्मिन् दलेन दलीरस्ती कृता अस्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः सांप्रदायिक उपद्रवस्य अवसरे यद् दुर्घटितं तद्विषये एएनआई इति वार्ताभिकरणेन सह विशेष संभाषणम् अकरोत्। गृहमंत्री उक्तवान् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयेन एतत् सिद्धं जातं यत् सर्वे आरोपाः राजनीतिक रूपेण प्रेरिताः आसन्। गृहमंत्री उक्तवान् यत् एतस्मिन् प्रकरणे मोदिना सह परिपृच्छा अपि जाता आसीत्, किन्तु तथापि न केनापि प्रदर्शनानि कृतानि आसन्। परिपृच्छाकाले अपि अस्माभिः विधिव्यवस्थायां सहयोगः आचरितः आसीत्। यैः जनैः मोदिनि आरोपाः आरोपिताः सन्ति ते सम्प्रति तेन सह क्षमा याचना विधेया अस्ति। कथित सामाजिक कार्यकर्त्री तीस्ता सीतलवाड़ मुंबईयां गुजरात एटीएस इति आतंकरोधी दलेन निगडीकृतास्ति। ताम विरुद्ध कार्यान्वयनार्थं गुजरात एटीएस इति आतंकरोधी दलं मुंबईम आगतम आसीत। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इत्यनेन शनिवासरे तीस्ता सीतलवाड़ पूर्वारक्षधिकारिणं आरबी श्रीकुमारं संजीव भट्टं च समेत्य अन्यान् अपि विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकारितास्ति। तीस्ता सीतलवाड़ विरुद्ध एतद् कार्यान्वयनं तादृशे समये कृतमस्ति यदा एकदिन पूर्वं एव सर्वोच्च न्यायालयेन गुजरात सांप्रदायिक उपद्रव संबद्धा जकिया जाफरी इत्यस्याः याचिका निरस्तीकृता अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च दोषमुक्तः घोषितः अस्ति। भाजपा दलस्य प्रवक्ता संबित पात्रा तीस्ता सीतलवाड़ उद्दिश्य उक्तवान् यत् तीस्ता सीतलवाड़ अन्ये जनाश्च ज्ञात्वा एव गुजरात उपद्रवम अवलंब्य मिथ्या जनेषु प्रसारिता। साकम एव अमुना प्रोक्तं यत् तदानीं जाकिया जाफरी समेत्य तस्य अनेकान् साक्षी जनान् तीस्ता सीतलवाड़स्य एनजीओ संस्था निर्देशं ददाति स्म। तीस्ता सीतलवाड़ जैसे कुछ लोग और कुछ ऑफिशियल्स जो आज डिटेन हुए हैं, इन लोगों ने एक छद्म कहानी बनाई, एक फॉल्स नरेटिव बनाया, जानते हुए बनाया कि ये सारी चीजें झूठी हैं। तीस्ता सीतलवाड़ एंड कंपनी ने देश को बरगलाने का काम किया गुजरात के दंगों को लेकर। मैं कुछ उदाहरण रखूंगा। जाकिया जाफरी किसके निर्देश पर काम कर रही थी, उनको डिक्टेशन कौन दे रहा था? और केवल जाकिया जाफरी नहीं, कई ऐसे विटनेस थे देश में गुजरात दंगों को लेकर जिनको ट्यूटर और डिक्टेशन देने का काम तीस्ता सीतलवाड़ की जो एनजीओ थी वो एनजीओ कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षतायां गुजरातस्य केवड़िया मध्ये आपदा प्रबंधन विषय गृह मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समितेः उपवेशनम् संपन्नम् अभवत्। अमित शाह समितेः सदस्यान् सूचितवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विगत अष्टवर्षेषु आपदा प्रबंधनस्य कृते वित्त संकल्पनायाः प्रावधानं प्रतिशतं द्वाविंशत्युत्तर एकशतमितं वर्धितवान् अस्ति, यद्धि मोदी वर्यस्य आपदा प्रबंधनं प्रति प्राथमिकतां दर्शयति। एतेन उक्तं यत् मोदीवर्यस्य नेतृत्वे केन्द्र सर्वकारेण विगताष्टवर्षेषु आपदा प्रबन्धनं जलवायु परिवर्तनं च प्राथमिकतायां स्थापितमस्ति। साहित्य अकादेमी द्वारा 21st-2000 प्रतिष्ठितो भाषा सम्मान प्रदानाय सद्य एव घोषणा विहिता। एषः सम्मानः उत्तरीय क्षेत्रान्तर्गतं संस्कृत विदुषे महामहोपाध्यायाय प्रोफेसर दयानंद भार्गव वर्याय प्रदास्यते। सम्मान वितरण समारोहे एतस्मै 1,00,000 रूप्यकात्मकः सम्मान राशिः उत्कीर्ण ताम्र फलकं प्रशस्ति पत्रं च प्रदास्यते।
साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठितो अनुवाद पुरस्कारः अपि सन्ति घोषिताः। एते पुरस्काराः एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षाय चिताः सन्ति। संस्कृत भाषायां महाब्राह्मणः इति उपन्यासस्य अनुवादार्थं संस्कृत विद्वद्भ्यां शतावधानी आर गणेशाय बी एन शशिकिरणाय च प्रदास्यते। एषः उपन्यासः मूलतः कन्नड भाषायां देवदू नरसिंह शास्त्री वर्येण लिखितः आसीत्, यस्य संस्कृतानुवादं एतौ विद्वांसौ कृतवन्तौ। एताभ्यां विद्वद्भ्यां अस्य पुरस्काराय 50,000 रूप्यकाणि, ताम्रफलकं, प्रशस्तिपत्रं च साहित्य अकादेमी द्वारा अलंकरण महोत्सवे प्रदास्यते। अस्य पुरस्कारस्य कृते 3 सदस्यात्मकं एकं निर्णायकमण्डलं रचितम् आसीत्। संस्कृतस्य प्रख्यात विद्वान् महामहोपाध्यायः भद्रेशदास स्वामी एषु दिवसेषु भारतीय संस्कृतेः दर्शनस्य संस्कृत भाषायाश्च प्रचारो प्रसारे विश्व भ्रमणार्थम् अस्ति निरतः। अनेन सर्वादौ मई मासस्य 31 दिनांके लंदन नगरे, तदनु जून मासस्य 4 दिनांके कनाडा देशे, किंच अस्य एव मासस्य 18 दिनांके अमेरिका देशे BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थानस्य उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् शोध संस्थाने भारतीय शास्त्रीय तत्वानां गभीरं अध्ययनं अनुसंधानं च साम्प्रतं तत्रत्य वैदेशिक जनैः प्रवासी भारतीयैश्च करिष्यते। Always, when I have come here, has been thought of. Every need anticipated and Maharaj expands and develops through his great. आयरलैंड देशस्य संस्कृत सेवकाय रुटगर वर्याय ऐषमः ICCR वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड इति पुरस्कारः प्रदत्तः। पुरस्कारः एष ICCR इति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः पूर्व महानिदेशकेन, सम्प्रति च आयरलैंड देशे भारतस्य राजदूतेन अखिलेश मिश्र वर्येण रुटगर कोर्टेन होस्त वर्याय समर्पितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् रुटगर कोर्टेन होस्त वर्यः भारत सर्वकारेण संस्कृत सेवार्थं पद्मश्रिया सभाजितः अस्ति। रुटगर कोर्टेन वर्यः आयरलैंड देशे विद्यालयीय छात्रेभ्यः संस्कृतं पाठयितुं भारतीय दार्शनिक मूल्यानां प्रसारे च विगत 35 वर्षेभ्यः निरतः अस्ति। पेरिस नगरे आयोजिमाने शरसंधान लक्ष्य वेद विश्व चषके अभिषेक वर्मा ज्योतिः चेत्यनयोः भारतीय युगलेन मिश्रित दल स्पर्धायां जितं स्वर्ण पदकम्। अभिषेक ज्योतिश्चेत्येताभ्यां स्पर्धायाः निर्णायके द्वन्द्वे मानांकने पंचम वरीयतायुतं फ्रांस देशीयं युगलं पराभूतम्। अस्य विजयस्य पश्चात् अभिषेक वर्मा प्रसन्नतां प्रकटयन् प्रशंसकेभ्य सर्वकाराय च धन्यवादान् समर्पितवान्। थैंक यू सो मच। ये कंटिन्यू मेरा 4th गोल्ड मेडल है। लास्ट ईयर भी पेरिस में गोल्ड आया था मेरा इंडिविजुअल, कैटेगरी चेंज हो रही है। इस साल हमने 2 वर्ल्ड कप भी खेले, टर्की में भी और हमारा कोरिया में भी, उसमें भी हमारे गोल्ड रहे थे। और ये मिक्स टीम पहली बार इंडिया की तरफ से बिक्सी में गोल्ड मेडल आया। पहले मेडल्स काफ़ी सारे आए थे पर ये वाला गोल्ड मेडल आए हैं और होपफुली मिक्स टीम भी वर्ल्ड नंबर 1 अब हो जाएगी। थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने सबको सपोर्ट किया। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट को जो यहाँ पे हमें भेज पाए और यहाँ पे हम अपना परफॉर्म कर पाए। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ता भी सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।